लड़का सिर्फ लड़का और लड़की को कोर्ट में देखा गया। ये पुलिस वाले जी, ये पुलिस वाले बिल यही को उनका क्या मतबला जी, क्या मतबला नहीं बताओ आप मेरे को। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से, माँ बाप को नहीं पूछेगा। देखो तो देख सकते हैं तस्वीरें जी, देख जी ये देखो मेरी लड़की की 13 तारीख की शादी थी, उन्होंने मेरे को गुमराह किया। लड़का वाले का पूरा परिवार और लड़का थाने में शामिल है, उन्होंने हमें गुमराह किया। सर सुनने की बारियां पड़ रही थी मेरी दी के कन्नों में सुनने की बारियां, इन्हें वो भी बेच दी कार कार का सारी सारी तुम मेरी दी कर मदे कार कार का लेगी सूट में। आप ये लाइव तस्वीरें फिलहाल इस समय देख रहे हैं जिला यमुनानगर के जगाधरी सदर थाना के बाहर, जहां पर एक परसों जो है एक लड़की जो है एक लड़के के साथ जो है चली गई थी, जिसके लड़की और लड़का अभी थाने के अंदर है और परिवार वाले यहां पर देख सकते हैं लगातार विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, देख सकते हैं क्या 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 नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पियाजी, गांव मलिकपुर से, और मैं महकमा हूँ पंजट्टो से। जो लड़की महक पंजट्टो किया, क्या बात हुई है? वो 28 तारीख को एक छोकरा गुमराह करके उसको ले गया जी, ठीक है जी। उसके बाद उसकी मनु खबर मिली कि वहाँ है जी, तो हमने रिकॉर्डिंग देखी उसकी, वीडियो भी देखी जी। तो उसके बाद हमने यमुनानगर भी पता करा जी, सारे में पता करा। उसके बाद हम जी, हम उसके बाद रात हमारे पास पूरे 1:30 बजे जी, पूरे 1:30 बजे फोन आया पुलिस जोड़ा का जी, पूरे 1:30 बजे अम्बाड़े से। तो उन्हें कहा कि आपकी लड़की हमारे पास है, हमारे पास है। तो उन्हें सारी रात हो गई जी, हम बेचारों ने बहुत मदद करी मारी माँ, बहुत मदद। क्या लड़का लड़की अंदर है? लड़का सिर्फ लड़का और लड़की को कोर्ट में देखा गया। ये पुलिस वाले जी, ये पुलिस वाले बिल यही को उनका क्या मतबला जी, क्या मतबला नहीं बताओ आप मेरे को। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर तमाम हंगामा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ लड़का अंदर है और लड़की को पुलिस की तरफ से बयान करवाने के लिए जो है वो कोर्ट में ले गए हैं जी। नहीं बताओ, चुप चुप हो जाओ। उसके बाद मेरी बात सुनो, यहाँ जब मर को जुट्ठा दलासा दिया गया जी, वहाँ अम्बाड़े के अम्बाड़ा उसमा थाने के अंदर, हाँ जी, तो अंदर थाने में जुट्ठा दलासा दिया गया कि वहाँ तो छोकरी ने अपने बयान मारे सामने बदले जी कि पापा जी मैं आपके साथ जाऊंगी और मैं गुमराही करी गई। और उसका पूरा लड़का वाला और है गया जी, और लड़के के भाई ने कहा कि लड़का मारे का निधन मर गया, बेदखल है, बेदखल है जी। और इब उस को दम ले रहे जी ने, ठीक है। और उसके बाद लड़के वाला का पूरा परिवार मौजूद है, लड़के वाला का पूरा परिवार मौजूद है थाने में, पूरा मौजूद है। और उसने क्या किया, सरपंच ने वहाँ हमारे से पैसे लिए लालपुर की चौकी में, और यह कहा कि थाने में जाके अपनी लड़की को आप अपने घर ले जाना और लड़के को भी जाने देना, चाहे लड़की की शादी भी हो जाए तब भी मैं आपको लड़की दूंगा। और उधम सिंह ने क्या किया, यहाँ माँ बाप को नहीं पूछा। ये देखो तो देख सकते हैं तस्वीरें जी, देख जी ये देखो मेरी लड़की की 13 तारीख की शादी थी, उन्होंने मेरे को गुमराह किया। लड़के वाले का पूरा परिवार और लड़का थाने में शामिल है, उन्होंने हमें गुमराह किया। सरपंच ने हमारे से पैसे लिए, सरपंच ने और तक नहीं कहा जी, ये कहा कि आपकी लड़की की जो शादी भी करती है कि मैं लड़के से शादी करवाऊंगी तो मैं ना इस लड़की को आपको सौंप दूंगा। किसके साथ शादी होनी है? ये लड़की की शादी होनी थी के साथ, ये देखो ये लड़की नहीं, रोहित लड़का गांव है ये कुपुरी खुर्द जानी थी, मेरी लड़की वहां जानी थी। और मैं लड़के वाले कह रहे थे कि हम लड़की को लेने को तैयार है, इसी हाल में भी लेने को तैयार है। और मेरी लड़की ये बोल रही थी पापा इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अपनी खराब कर दी मेरी जिंदगी। तो देख सकते हैं लड़की की शादी होनी थी पर लेकिन वो किसी और लड़के के साथ चली गई, और जिसके बाद ये तमाम हंगामा। सरपंच और राजेश कटारिया दोनों साल अंदर आए, इन्होंने गुमराह किया हमारे को, अब हमारे को हमारी लड़की चाहिए। उधम सिंह मेरी लड़की को, मैंने कहा मैं इसकी मम्मी को ले जाओ साथ, कहा लड़की अकेली जाएगी। जब मेरी लड़की जब मेरी लड़की ने शादी नहीं की तो को कैसे कोर्ट में ले जा सकता है।
कैसे ले जा सकता है। तो देख सकते हैं लड़की की शादी होनी थी, कार्ड भी हो चुके थे, पर लेकिन परिवार का आरोप है बेला फुसला के कोई और युवक जो है ले गया, जिसके बाद अब यहाँ पर तमाम जी 18 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, 18 साल की बच्ची, बच्ची नाबालिग नहीं है, नाबालिग है। अच्छा नाबालिग है, मेरी बेटी गुमराह करके। और दूसरी बात जी, इन्हें मरते जुट्ठा दिलासा दिया, यहाँ तक कि जो यहाँ का इंचार्ज था उसने भी जुट्ठा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, हमने कहा कि वहीं से ले जाना, थाने से ले जाना, ठीक है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से पुलिस को देख करके परिवार गुस्सा है यहाँ पर फिलहाल जरूर नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें, मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे एक साल पहले लड़के ने मेरी लड़की को, नाबालिग को भगा के ले गया था, उसमें फैसला करवाने वाला सुजीत सरपंच, राजेश कटारिया, रामपाल, रामपाल, और इसी थाने की बात है। और कोर्ट में नोटरी भी टेस्ट है वहाँ से, ये राजेश कटारी और रामपाल के साइन है वहाँ। ये बोला था कि इस लड़के को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, इन्होंने उस लड़के को जबरदस्ती गांव में रखा। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, देख सकते हैं दोबारा फिर भगवाया उसके साथ। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, परिवार देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ, जी हाँ पुलिस के साथ जो कहीं ना कहीं बातचीत करता हुआ, देख सकते हैं तमाम तस्वीरें लड़की को जो है, जिस लड़के के साथ लड़की गई थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर 164 के बयान कराने उस लड़की के कोर्ट में ले जाया जा रहा है और पुलिस लेकर गई है। अब यहाँ पर विवाद जो है लड़की के परिवार वालों ने यहाँ पर खड़ा कर हुआ है। मेरी अपील जो भी इस खबर को, उसकी मम्मी को भी नहीं ले गया, मेरे को भी नहीं ले गया। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, लड़की की शादी होनी थी 13 तारीख को लड़की की, पर लेकिन वो लड़की जो है किसी और युवक के साथ चली गई, और परिवार का आरोप है कि सीधा सीधा उस लड़के द्वारा बहला फुसला कर ले गया था। और कल थाने से फोन आया, पर लेकिन कहा गया तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी दी क्या कर्नो में सोने की बारियां, इन्हें वो भी बेच दी कार का, सारी तुम मेरी दी कर मदे कार का लेगी। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से तमाम तस्वीरें, मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं सदर थाना जगाधरी की, ये तस्वीरें हैं जहां पर एक लड़की जो है वो किसी युवक के साथ चली जाती है, परिवार का आरोप है कि उसे बहला फुसला कर वो लड़का ले गया, और उसकी 13 तारीख को शादी होनी थी, जिसके बाद ये तमाम पूरा हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा हंगामा होता हुआ, देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से पुलिस और सामने लड़की पक्ष का परिवार जो है यहाँ पर तमाम पूरा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। लड़की ने 164 के बयान जो है लड़के के हक में गवाही में दे दिए हैं, और तमाम अभी तक पूरा हंगामा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मेरी अपील जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें किस तरीके से लगातार यहां पर पुलिस के साथ जो है जबरदस्त हंगामा लड़की पक्ष के लोग करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं लड़की ने 164 के बयान जो है मजिस्ट्रेट के आगे दे दिए हैं। पुलिस से तमाम जानकारी लेंगे, पुलिस क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले को लेकर। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, मौके पर सदर SHO यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार परिवार को समझाने का प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं SHO अनंतराम पहुंचे हैं और लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास लगातार जारी है कि 164 के लड़की के द्वारा बयान दे दिए गए हैं, और देख सकते हैं तमाम तस्वीरें अभी भी समझाने का परिवार काफ़ी यहां देख सकते हैं गुस्से में है, और उन्हें लगातार समझाने का यहां पर SHO प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, क्या मामला क्या है जो थाने के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये अपना पंजेटो गांव से जो है एक नाबालिग लड़की और लड़का उसी गांव का लड़का है उसके साथ चली गई थी। हमने जो है 28 तारीख को जो है इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया था, और आज लड़का लड़की को जो है बरामद अम्बाड़े से बरामद करके और जो है माननीय अदालत जगाधरी में पेश किया था, और उसको जो है अपने 164 के बयान कराने के बाद जो है
जज साहब पे जो भी बयान कराए हैं उनके आदेशों के आधार पे उनको अपना सेफ हाउस में जो है शिफ्ट कर दिया गया जो है। तो ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये लड़की की शादी इन्होंने रखी ही थी, अभी जो है हमारी लड़की को जो है इसने जो है अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और एक ही हम गाँव के रहने वाले हैं, पहले भी इस प्रकार का कोई इशू हुआ था तो इस प्रकार में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं उनको, लेकिन समझा दिया गया है। लड़के के खिलाफ कार्रवाई? लड़के के खिलाफ जैसे ही जो है लड़की के आदेश मिलेंगे जो अपना कोर्ट में से जो है अपना उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, उनके आधार पे जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी।